हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशन गुरु पर। दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आप सभी विद्यार्थियों के लिए, जीएनएम वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर खुशखबरी है। प्रथम वर्ष वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा अपडेट आया है। अपडेट ये है दोस्तों कि आपकी जो है फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने, जो आपका अगस्त में एग्जाम लगा था उसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है ना, काफ़ी विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, हजारों ऐसे विद्यार्थी थे जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक नहीं आएगा। तो वो रिजल्ट आपका फाइनली यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है ना, हमने आप दो वीडियो हमने आपको बना करके बताए थे। एक वीडियो बनाया था हमने 8 अक्टूबर 2024 को, हमने एक वीडियो बना करके बताया था। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो है आपका जो रिजल्ट है 22 तारीख के बाद में जो रिजल्ट है वो जारी होगा, और उसमें रिकॉर्डिंग भी हमने आपको सुनाई थी। हालांकि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी थे उस वीडियो में, उन्होंने हेट भी फैलाया था, बोल रहे थे कि तेरे पर्सनली जानकार हैं क्या जो तेरे को कॉल पे बात करेंगे। लेकिन जो हमने आपको, क्योंकि आपको पता होगा एक चैनल चलाते हैं तो थोड़ा बहुत अनुमानित पता रहता है, तो हमने आपको बताया था कि 22 तारीख के बाद में जो आपका रिजल्ट है कभी भी आ सकता है। ठीक है ना, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हमसे पर्सनली भी जुड़े हुए हैं, तो उनको भी हम हर रोज़ मैसेज आते हैं उनके व्हाट्सअप वगैरह पे, इंस्टाग्राम हुआ, व्हाट्सअप हुआ, तो वहाँ भी उनको हम सिंपैथी दिलाते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो दीपावली तक आ जाएगा, आ जाएगा। तो फाइनली दीपावली से पहले पहले जो रिजल्ट है आपका वो जारी कर दिया गया है। ठीक है ना, तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब कैसे चेक करना है, कैसे चेक नहीं करना है वो हम आपको बताएंगे। जैसे ही आप यहाँ पर RNC की वेबसाइट पर आओगे, RNC की वेबसाइट पर आने के बाद में रिजल्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, एक बार सभी स्टूडेंट अगर नए विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ से आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देने वाला एकमात्र बादल एजुकेशनल गुरु एक ऐसा चैनल है जहाँ से आपको सटीक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और हर आपको यहाँ पर जो है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ से ही मिलती है। तो जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर जो रिजल्ट का यहाँ पर जो है इसमें आप कोर्स डालोगे, कोर्स GNM प्रथम वर्ष जैसे ही आप डालोगे, उसके बाद में नीचे एक और ऑप्शन आपको दिखेगा, यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे कौन सा एग्ज़ाम था, GNM प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम था मेन, उसके बाद में यहाँ पर आप अपना जो है रोल नंबर डाल देते हो। तो यहाँ पे आप अपना रोल नंबर जैसे ही फिल करोगे तो हम एक स्टूडेंट्स का रोल नंबर यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो जैसे ही आपको ये सारा का सारा क्राइटेरिया फिल कर देना है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको रोल नंबर फिल करने के बाद में यहाँ पर एनरोलमेंट का ऑप्शन आएगा, तो एनरोलमेंट भी आप सभी विद्यार्थियों को डाल देना है। ठीक है ना, थोड़ा हाइड कर दिया है प्राइवेसी के लिए, तो इस तरीके से आपको डाल के सर्च कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप सभी विद्यार्थी, तो इस स्टूडेंट्स का यहाँ पर पूरा का पूरा ये क्राइटेरिया दे रखा है, सब्जेक्ट यहाँ पर दे रखे हैं देख सकते हो यहाँ पर, और उसके बाद में अगर कोई भी यहाँ पर रिमार्क का मतलब है यहाँ पर अगर फेल और पास अगर आप हुए हो तो यहाँ पर आएगा। तो एक स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का देखा है, तो ये स्टूडेंट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में फेल हो गया है। ठीक है ना, जिस स्टूडेंट का हमने देखा है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, इसका बैग लग चुकी है, कहने का मतलब ये सीधी सी बात है फेल हो गया है। ये देख सकते हो 25 नंबर यहाँ पर जो है ये इसके आए हैं थोरी में, और उसके बाद में इंटरनल जो एग्ज़ाम है मतलब कॉलेज से गए हैं इसके 21 नंबर गए हैं, तो टोटल 46 नंबर हैं। और हालांकि पास होने के लिए 50 नंबर इनके लिए चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर चार पाँच नंबर से स्टूडेंट फेल हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी विद्यार्थी, ये आपका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से आपको देखना होगा। तो सभी विद्यार्थी जा कर के चेक करें, और जो स्टूडेंट्स हेट फैला रहे थे वो उनके लिए देखो बताना चाहेंगे, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि आप कोई भी चैनल हो उस पर पहली बार विजिट करते हो तो पहले उसका प्रीवियस ईयर डाटा भी देख लिया करो वीडियो का, क्योंकि वो चैनल कब से है कब से नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो पहली बार वीडियो देखते हैं और वीडियो में वो बात अगर सच नहीं होती है तो वो डायरेक्ट आकर के फिर कुछ गलत कमेंट करते हैं। तो उससे पहले थोड़ा सोच लिया करो कि पहले भी उस चैनल ने क्या किया है क्या नहीं किया, क्योंकि आपकी जो एग्जाम नहीं हो रहे थे तो एग्जाम करवाने के रिगार्डिंग हम भी RNC गए थे, प्रूफ सहित हम आपको बताते हैं सारी की सारी चीज़ें, पर फिर भी कुछ स्टूडेंट रहते हैं वो अपवाद होते हैं, अपवाद जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, वो समाज में भी अपवाद होते हैं और हर जगह वो अपवाद आपको देखने को मिलेंगे। बाकी सभी के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लिए यहाँ पर दिवाली गिफ्ट मिल चुका है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो सभी अपना अपना रिजल्ट चेक करें, बेस्ट ऑफ लक सभी को, जिनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी को जिनका रिजल्ट अच्छा रहा है उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन। थोड़ा कह सकते हैं कि यहाँ थोड़ा सैड फील हो रहा होगा, क्योंकि आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की होगी उसकी वजह से आपका जो रिजल्ट है वो थोड़ा ये ऐसा लो रहा है, बाकी रिजल्ट सबका आ चुका है। ठीक है ना, सभी एक बार रिजल्ट चेक जरूर कर लें।